सुप्रीम कोर्ट में जजों के 9 खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू। कॉलेजियम की बैठक के बाद 9 जजों की नियुक्ति की सिफारिश केंद्र को भेजी गई, इनमें 3 महिला जज भी शामिल। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले एक दिन गिरावट के बाद फिर से बढ़े। पिछले 24 घंटों में 35,178 लोगों में संक्रमण की पुष्टि, 440 मौतें। बीते दिन 37,169 लोग कोरोना से ठीक। 23 अगस्त से बीजेपी का बूथ विजय अभियान शुरू होगा। 2022 के चुनाव को लेकर बूथ विजय अभियान का शुभारंभ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को तालिबान का समर्थन करना महंगा पड़ा। बर्क समेत 3 लोगों पर दर्ज किया गया केस। भाजपा नेता की तहरीर पर दर्ज हुआ मुकदमा। विधायक निधि के दुरुपयोग के मामले में मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी खारिज। विधायक मुख्तार अंसारी सहित 4 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल। कानपुर से सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी पर FIR दर्ज। NHAI के परियोजना निदेशक ने दर्ज कराई FIR। विधायक पर अपशब्द कहने और धमकी देने के आरोप। रक्षाबंधन पर आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स को राज्य सरकार का तोहफा, 1,000 रुपए सम्मान राशि देने का किया ऐलान। करीब 43,000 लाभार्थियों को भी मिलेंगे 1,000 रुपए। उत्तराखंड में 43 IAS PCS अधिकारियों के तबादले। शासन और प्राधिकरण में तैनात अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर। कार्यों की समीक्षा को देखकर शासन ने किया बड़ा फेरबदल। 18 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच यूपी बोर्ड कराएगा अंक सुधार परीक्षा। रिजल्ट में सुधार के लिए छात्र दे सकते हैं परीक्षा। यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर कर सकते हैं परीक्षा के लिए आवेदन। यूपी में आज भी 2 शिफ्टों में PGD परीक्षा जारी। पहली शिफ्ट सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक, दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 से शाम 4:30 बजे। 15 नवंबर से होगा कानपुर मेट्रो का ट्रायल रन। कानपुर मेट्रो का 88% काम पूरा। मुख्य सचिव ने की प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक। 29 अगस्त को होगा अयोध्या बस स्टेशन का लोकार्पण। चिलचिलाती गर्मी से परेशान दिल्ली वासियों को मिल सकती है राहत। अगले 24 घंटों में मौसम बदलने का अनुमान। चारधाम देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों का विरोध प्रदर्शन जारी। आक्रोशित तीर्थ पुरोहितों ने देवप्रयाग में सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की भी दी चेतावनी। सोनभद्र के NTPC रिहंद बीजपुर के एक ब्यालर में लगी आग। CISF और फायर ब्रिगेड ने इस पर काबू पाया। बरेली में लूट और चोरी की वारदात में गुम हुए 21 लाख रुपए की 110 मोबाइल सर्विलांस टीम ने बरामद किया। बरेली पुलिस ने पेट्रोल पंप मालिक से हुई लूट का खुलासा किया। 4 छात्र बदमाशों को गिरफ्तार किया। आजमगढ़ के फूलपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से घायल हुआ 25,000 का इनामी बदमाश। 2 बदमाश फरार। फिरोजाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान सुपारी किलर चरण सिंह को किया गिरफ्तार। बदमाश पर 20,000 का इनाम घोषित। फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। खंभे से टकराई बस। हादसे में 2 की मौत। खटीमा के दक्षिणी जौलासाल वन रेंज में वन विभाग को मिला गुलदार का शव। गोरखपुर में राप्ती, रोहिन और घाघरा नदियां उफान पर। खतरे के निशान से ऊपर बह रही 3 नदियां। असम और मिजोरम के बीच विवाद फिर से हुआ ताजा। मिजोरम में बीती रात असम पुलिस पर फायरिंग का लगाया आरोप। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी का असर दिखना शुरू। अफगानिस्तान में बुर्के के दाम 10 गुना बढ़े। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। का शरिया के मुताबिक होंगे महिलाओं के हक। हरे निशान पर खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स ने पहली बार 56,000 के स्तर को छुआ।